बिग बॉस के घर में आशिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के झगड़े के बाद पूरे बिग बॉस के घर में घमासान मचा हुआ है। अभी हाल ही में वीकेंड के वार पर आशिम के भाई उमर ने सिद्धार्थ के रवैये को लेकर तीखी बातें कही। बिग बॉस का 13वां सीजन आशिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की फाइट के चलते चर्चा में है। सोशल मीडिया पर दोनों कंटेस्टेंट के बीच हो रही फाइट को लेकर भी रिएक्शन आ रहे हैं। इस बीच वीकेंड का वार के सेट पर कुछ कंटेस्टेंट के घर वाले और उनकी फ्रेंड्स पहुंच गए तो उनके बीच तीखी बहसबाजी हो गई। रविवार को प्रकाशित होने वाले वीकेंड का वार में सलमान ने आशिम रियाज के भाई उमर रियाज, शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी, सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त जय भानुशाली, रश्मि देसाई की करीबी दोस्त माहिविच और पारस छाबरा की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी पहुंचे थे। सलमान खान ने आशिम के भाई उमर और सिद्धार्थ के दोस्त जय से पूछा कि दोनों के बीच दुश्मनी क्यों है। इसका जवाब देते हुए उमर ने कहा कि अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वहीं जय ने सिद्धार्थ को लेकर कहा कि वह बचपन से ही ऐसा है। एक्टर अर्जुन कपूर और संजय दत्त स्टारर मूवी पानीपत का नया गाना मन में शिवा शनिवार को लॉन्च हो गया है। गाने के लॉन्च होते ही लोगों को ये गाना काफी पसंद आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस गाने में कृति सोनन और अर्जुन कपूर रॉयल लुक में नजर आ रहे हैं। गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और इसके गीतकार कुणाल गांजावाला, दीपांशी नागर और पद्य नाभ गायकवाड़ हैं। गाने की कंपोजिशन अजय अतुल ने की और इसके मराठी लिरिक्स गुरु ताकपुर ने की है। गाने पर पब्लिक का रिएक्शन पॉजिटिव है। ये गाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। बहुत कम समय में इस गाने को काफी सारे व्यूज मिल चुके हैं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अधिकतर लोगों ने इस गाने की तारीफ की है। रणवीर से अपने एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छाप तो छोड़ते ही, लेकिन साथ साथ उनका फैशन सेंस और उनका ट्रेंड में रहने का अंदाज जो है वो लोगों को बेहद पसंद आता है। अभी हाल ही में रणवीर से का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक क्यूट सी बच्चे के साथ वो डांस की स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2018 में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण फिल्म पद्मावत में साथ नजर आए थे। इस फिल्म में रणवीर सिंह पर एक गाना खली बली फिल्माया गया था। इस गाने में रणवीर सिंह में काफी एनर्जी दिखी थी। वहीं अब इस गाने पर उन्होंने एक बच्चे के साथ डांस किया है। रणवीर सिंह का बच्चे के साथ का डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रणवीर सिंह खली बली गाने का स्टेप करते हैं और बच्ची उनके स्टेप की नकल करती है। आखिर में रणवीर बच्ची को गले भी लगाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी के 1 साल पूरे हो गए हैं। दोनों अपनी सालगिरह की खुशी में भगवान का आशीर्वाद लेने तिरुपति मंदिर गए थे। हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो रील एपी न्यूज़। फिर मैं हूँ भावना आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ बी टाउन की सारी चटपटी खबरें। और आज की जो पहली खबर है वो आ रही है सलमान खान के यहाँ से। जी हाँ, सलमान खान का अपने परिवार के लिए प्यार जो है वो कभी छुपा नहीं है और वो समय समय पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने परिवार के साथ की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। अभी हाल ही में 24 नवंबर को सलमान खान के पिताजी यानी कि सलीम खान का बर्थडे था और सलमान खान ने पिक पोस्ट करते हुए उन्हें हैप्पी बर्थडे विश भी किया है। सलमान खान ने पिता सलीम खान के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में दोनों मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिता और बेटे के इस बॉन्डिंग को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। सलमान खान ने इस तस्वीर को शेयर कर लिखा, हैप्पी बर्थडे डैडी। ये सलीम खान का 84th बर्थडे है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 नवंबर को सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलेन का बर्थडे था। पूरे खान परिवार ने हेलेन का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया और इस मौके पर भी खान परिवार ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया था। एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी फिल्मकार और लेखिका ताहिरा कश्यप का मानना है कि लोगों को खुद पर भरोसा होना काफी मायने रखता है। कार्टून नेटवर्क के अभियान # पावर टू चेंज को समर्थन देने पहुँचे ताहिरा ने कहा, हम सभी के पास बदलाव करने की शक्ति होती है और मेरा मानना है कि हम सब सुपर पावर के साथ जन्म लेते हैं। जैसे कि पावर गर्ल्स का जन्म हुआ, हमें हमारी आत्मा के उस हिस्से को बार बार छूना चाहिए जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। कैंसर से जंग जीत चुकी ताहिरा कश्यप अपनी खुद की पहचान के बारे में कहती है कि मैं आयुष्मान को 18 सालों से जानती हूँ
और आयुष्मान की पत्नी कहे जाने पर मुझे बेहद गर्व महसूस होता है। जहाँ तक मेरे खुद की पहचान की बात है तो दुनिया मेरी आत्मस्वीकृति के संदेश के प्रति वाकई ग्रहणशील रही है। बॉलीवुड की चटपटी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये शो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये शो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।